क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? बेबे आप तो मुझे सिखाइए मत कि मेहमानों से तरीका क्या होता है बात करने का। मुझे अच्छी तरह से आता कैसे बात करनी चाहिए। मुझे से आप मेहमान कह रही है ना, वो मेहमान नहीं। इस बार में हमारी खुशियों के लिए शैतान बन के आइए, निकलिए यहाँ से। सीरियल परिणीति में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आया, जहां संजू और नीति की मेहंदी सेरेमनी के दिन नीति की आंखों में आया आंसू और घर में मचा हंगामा। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? बेबे आप तो मुझे सिखाइए मत कि मेहमानों से तरीका क्या होता है बात करने का। मुझे अच्छी तरह से आता कैसे बात करनी चाहिए। जी हाँ, दरअसल नीति और संजू की मेहंदी सेरेमनी के दिन संजू की माँ का गुस्सा कल्याणी पर फूट पड़ता है और वह कल्याणी को घर से बाहर निकालने की बात करती है। घर से बाहर निकालिए, एक पल भी मैंने अपने घर में नहीं देखना चाहती, निकल यहाँ से। ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? बेबे आप तो मुझे सिखाइए मत कि मेहमानों से तरीका क्या होता है बात करने का। मुझे अच्छी तरह से आता कैसे बात करनी चाहिए। मुझे से आप मेहमान कह रही है ना, वो मेहमान नहीं। इस बार में हमारी खुशियों के लिए शैतान बन के आइए, निकल यहाँ से। वही जब बेबे संजू की माँ से कहती है कि ये मेहमानों से बात करने का कौन सा तरीका है, तो संजू की माँ कहती है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि मेहमानों से किससे और क्या बात करनी चाहिए। वह कहती है कि इन्हें अभी यहाँ से बाहर निकालो, ये मेहमान नहीं बल्कि हमारे घर में शैतान बनकर आई है। इस पर घर में हंगामा मच जाता है, आप भी देखिए। कल्याणी ने जो तुम उन्हें इतनी बात सुना रही है, क्यों इतना तमाशा कर रही है? तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा आपकी है, सही नहीं कर रही है। पूछिए इनसे क्यों कर रही थी नाटक, एक बार नीति की तरफ देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? रो रही है, इसकी आंखों में आंसू है, उस आंसू की वजह कि ये सहेली कल्याणी है। संजू की माँ कल्याणी से कहती है कि जो भी आपने नीति के बारे में कहा है उसे सबके सामने कहिए। इस पर बेबे कल्याणी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कहा, जिसके बाद कल्याणी कहती है जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है और उसकी मर्जी के खिलाफ जो जोड़ी हम बनाने की कोशिश करते हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसके बाद नीति भावुक होकर कल्याणी से कहती है कि आप मेरे लिए ये सब क्यों कह रही हैं? लेकिन यहाँ भी कल्याणी ने नीति को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा और संजू का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नीति के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब नीति संजू का हाथ पकड़कर अपने पास लाती है और कहती है कि ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। बस कीजिए, प्लीज, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे अभी। वो प्रॉब्लम क्या है मुझसे? वो बोल रही है ये सब कुछ मेरे लिए सबके साथ। आप जब यहाँ आए थे तो खुद आपने आशीर्वाद दिया था ना मुझे, अब आपको ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब कहाँ गई थी आपकी सिद्धि और भविष्य देखने की शक्ति? वहीं नीति कल्याणी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज आप मेरे और संजू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा न बोले। भगवान के लिए मेरे और संजू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। तभी कल्याणी संजू के हाथ से मेहंदी लेकर नीति से कहती है, इस मेहंदी का रंग तुझ पर नहीं चढ़ेगा। इसके बाद नीति भावुक हो जाती है और कहती है, इस मेहंदी का रंग सिर्फ मेरे हाथ पर चढ़ेगा और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर ये मेहंदी सच में किसी और के लिए बनी है तो लाइए, दीजिए मुझे। मैं अभी साबित कर दूंगी कि मैं संजू की होने वाली हूँ। सबके सामने प्रूव कर दूंगी कि इस मेहंदी का रंग सिर्फ मेरे हाथों पर चढ़ेगा और किसी के हाथ पर नहीं। फिर नीति मेहंदी लेकर अपने हाथ पर संजू का नाम लिखती है और सबको दिखाती है। तभी कल्याणी कहती है, ये तुम्हें भारी पड़ेगा। इस पर नीति जवाब देती है, भारी तो अब आपको पड़ेगा। और फिर नीति बेबे से कहती है, इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकालो। भाई तो अब सब कुछ आपको बेबे, अभी के अभी इन्हें यहाँ से इस घर से बाहर भेजो। इस घर में मैंने एक मिनट भी नहीं रुकी, अगर ये यहाँ रुकी तो मेरी शादी भी बर्बाद कर देगी, वो मैं नहीं हूँ।
अब इस कहानी में आए इस ट्विस्ट के बाद नया मोड़ क्या आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल मंगल लक्ष्मी में लिपिका की रोका सेरेमनी के दौरान आया शौकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां लिपिका लक्ष्मी के साथ बात कर रही होती है, तभी लक्ष्मी वहां से घबराहट के साथ तेजी से वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी रिश्तेदार ये सब देख रहे होते हैं। लिपिका, होने वाला पति और सास आपस में बात करते हैं कि मंगल की बहन की रोका सेरेमनी है और खुद मंगल नहीं आ रही। घर वाले उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब कार्तिक के पास अचानक लक्ष्मी का फोन आता है, जहां लक्ष्मी कार्तिक को सारी बातें बताती है कि मंगल को सौम्या ने फंसाया है, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा और उसे आने में देरी हो सकती है या हो सकता है वह न भी आ सके। ये सुनकर कार्तिक शॉक हो जाता है और सोचता है कि जब तक मंगल नहीं आती तब तक कुछ करना होगा। फिर वह जाकर लिपिका की होने वाली सास को अपनी बातों में उलझा देता है और उनकी तारीफ करता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाती है। फिर वह उन्हें लेकर लिपिका के साथ स्टेज पर सेल्फी और पिक्स क्लिक करने की कोशिश करता है ताकि वह व्यस्त हो जाए। वहीं कुसुम और गायत्री भी परेशान होती हैं कि मंगल के बारे में ये बात उन तक न पहुंच जाए और इसलिए वह भी काफी चिंतित होती है। अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सुमन इंदौरी में आया बेहद दिलचस्प मोड़, जहां दिवाली के खास मौके पर ससुर और बहू के बीच दिखा गुजिया बनाने का कंपटीशन। सीरियल की कहानी में आया ट्विस्ट जब तीरथ के घर पर सुमन और तीरथ पिताजी के बीच गुजिया बनाने का कंपटीशन होता है, ये देखने के लिए कि आखिर कौन बना सकता है सबसे स्वादिष्ट गुजिया। सभी घर वाले इस कंपटीशन को देखकर उत्साहित होते हैं और घर के अंदर गुजिया बनाने का माहौल बन जाता है।
तरफ तीरथ पिताजी गुजिया बना रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुमन भी अपनी गुजिया बनाने में जुटी होती है। परिवार के सभी सदस्य इस मजेदार गुजिया मेकिंग कंपटीशन को देख रहे होते हैं। एक घंटा खत्म, आपको गुजिया बनाना बंद करना पड़ेगा। प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप। अब मम्मी जी करेंगी गुजिया कटे। रेडी मम्मी जी? बिल्कुल। वहीं तीरथ भी सुमन का पूरा साथ दे रहे होते हैं और देविका ध्यान से देख रही होती है। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब देविका दोनों को गुजिया बनाने से रोकती है और कहती है कि अब सास माँ टेस्ट करेगी और बताएंगी कि किसकी गुजिया है सबसे स्वादिष्ट। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब मम्मी जी करेंगी गुजिया का टेस्ट। रेडी मम्मी जी? बिल्कुल। वेल, अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में आगे कौन सा नया मोड आएगा ये देखना काफी रोमांचक होगा। दुर्गा, एक इंसान दूसरे इंसान को मार देगा, ये नहीं हो सकता ना। मुझे नहीं पता मुझे फिर कब मौका मिलेगा, हम ऐसे कब बात कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे कि उस इंसान के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। जिस घर में तुम्हें बांध के रखा जाता है, जिसमें तुम्हें खाना नहीं दिया जाता, उसे तुम घर कहती हो? खुद सजा, जिस इंसान को खुद सजा चाहिए ना, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। और तुम नहीं रख पाऊंगी दुर्गा, खुद को मुसीबत में क्यों डालती है? रात भर से घर पर नहीं है, सोचिए इसके बारे में अभी आपको कितनी रात सुननी पड़ेगी। ऐसे सब मत करिएगा प्लीज। तो क्या करेगी ये, किसके पास जाएगी, कौन है इसका अपना? हुकुम कभी ये बात नहीं स्वीकार करेंगे कि दुर्गा उस राजेश को घर छोड़कर चली गई, और अगर वो वहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? सीरियल दुर्गा अटूट प्रेम कहानी में आया शौकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अस्पताल से जब दुर्गा बाहर निकल रही होती है तभी अनुराग आता है और दुर्गा की यह हालत देखकर दुखी हो जाता है। वह दुर्गा को मनाने की कोशिश करता है कि वह राजेश को छोड़कर वापस उसके पास आ जाए। दुर्गा, एक इंसान दूसरे इंसान को मार देगा, ये नहीं हो सकता ना। मुझे नहीं पता मुझे कब मौका मिलेगा, हम ऐसे कब बात कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस इंसान के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये सुनकर दुर्गा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वह चाहकर भी अनुराग के पास नहीं जा सकती। वहीं अनुराग दुर्गा से ये भी कहता है कि यह बात तुम भी जानती हो कि मुझसे ज्यादा इज्जत दुनिया में कोई भी नहीं देगा। ये सब सुनकर दुर्गा और भी परेशान हो जाती है और वह अपनी दीदी से कहती है, घर चलो दीदी। तो उसकी दीदी कहती है, कौन सा घर? जिस घर में तुम्हें बंद कर रखा जाता है, जहाँ नहीं दिया जाता, तुम उसी घर में जाने की बात करती हो? जिस घर में तुम्हें बांध के रखा जाता है, जिसमें तुम्हें खाना नहीं दिया जाता, उसे तुम घर कहती हो? खुद सजा, जिस इंसान को खुद सजा चाहिए ना, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। और तुम नहीं रख पाऊंगी बेटा, खुद को मुसीबत में क्यों डालती है? रात भर से घर पर नहीं, सोचिए इसके बारे में अभी आपको कितनी रात सुननी पड़ेगी। ऐसे सब मत करिएगा प्लीज। ये सब सुनकर दुर्गा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह अपनी दीदी से कहती है, आप कल से मेरे साथ हो, आप अपने आप को क्यों खतरे में डाल रही हो? खुद को मुसीबत में क्यों डालती है? रात भर से घर पर नहीं, सोचिए इसके बारे में अभी आपको कितनी रात सुननी पड़ेगी। ऐसे सब मत करिएगा प्लीज। इंसान का खून कौन है मेरी रब, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ दुर्गा की तो ऐसा की बातों को सुनकर आप देखा कर दो क्यों उसे घर पर बैठी होगा, क्यों मेरी घर की इज्जत कर। मैं तो मना ही रहा हूँ, पास जा ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उन्हें अपने पास लाने की। अभी सीन ऐसा था कि मुझे पता चलता है कि दुर्गा बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ब्रूज्ड है,
तो उसका रीज़न पता चलता है क्यों, कैसे और किसने किया। और हॉस्पिटल वगैरह में से बाहर लाने के बाद जब वो फिर वापस जा रही थी घर पे, मतलब अपने घर, अपने ससुराल जा रही थी वो, तो उन्हें रोका गया और पूछा गया कि भाई क्यों जा रही हो आप ऐसे आदमी के पास फिर से जो आपको प्यार नहीं करता और गंदे तरीके से बर्ताव करता है। तो उनके अपने रीज़न्स हैं, वो सोचती हैं कि हम लोग सही मैच नहीं हैं, वो और अनुराग। और सोसाइटल प्रेशर भी है, उन्हें लगता है कि हम बहुत अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा कोई भी तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से फिर से शी टेक्स अ स्टेप बैक। पर कन्विंस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ और आखिरी दम तक करता रहूँगा, कहीं ना कभी तो कभी मानी जाएंगी। डिसअपॉइंटेड अगेन, बट कहीं ना कहीं अब वो एक्सेप्टेंस भी आ चुका था कि क्यों कर रही हैं ये। और एक्सेप्टेंस के साथ ये है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ ना, मेरा प्यार बहुत शिद्दत वाला है, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहना चाहता हूँ, वो ढाल बन के एकदम स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रहना चाहता हूँ कि कभी उन्हें कोई तकलीफ ना हो, जो अपनी ज़िंदगी में चाहती हैं वो मिले, और आई हेल्प हर टू अचीव दैट। तो मैं चाहती हूँ कि कुंवर साहब जितनी मेरे लाइफ से दूर रहेंगे उतना वो मैस से दूर रहेंगे, और मैं उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो, उनका भी सपना था और वो मेरा भी सपना था कि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर बने, तो उसके लिए तो उन्हें फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अब यहीं रहना चाहते हैं, कबीले वालों की मदद करना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बड़े डॉक्टर बन के फिर आएँ। तो बस हमारी वही बातचीत चल रही थी कि प्लीज़ कुंवर साहब, ऑलरेडी मेरे लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं, शादी करना ही डिफ़िकल्ट हो गया था, प्लस मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कुंवर साहब अपना सपना पूरा करें। और वो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना है कि वो बड़े डॉक्टर बने, तो मैं बस चाहती हूँ कि वो उस चीज़ से दूर ना भागें और हमारा सपना पूरा करें।